जो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन की। आज हम प्रोटीन के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं या किस किस अरेंजमेंट में ओरिएंटेशन में होता है। प्रोटीन टाइप्स इन लिपिड लेयर, जो अपनी लिपिड लेयर है उसमें प्रोटीन्स किस तरह से अरेंज होते हैं, ठीक है। पेरीफेरल प्रोटीन्स, पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी बाउंड्री, इसका एक और नाम है एक्सट्रिंसिक, ठीक है। मतलब कि ये जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी, ठीक है, ये आउटर एरिया है और ये इनर एरिया है, ठीक है। जो आउटर एरिया है, जो इनर एरिया है, इसमें अरेंजमेंट बताया कि किस तरह से, अगर पेरीफेरी पे हैं, पेरीफेरी में, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, पेरीफेरी, ये पेरीफेरी वाले प्रोटीन होंगे, पेरीफेरल, ये पेरीफेरल, ठीक है, जो पेरीफेरल पे मिलेंगे। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एनकाइरिन, स्पेक्ट्रीन, ये क्या होते हैं? पेरीफेरी पे मिलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड नहीं होते हैं, ये पेरीफेरी पे मिलेंगे, यहाँ पर पेरीफेरी पे, ठीक है। एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एनकाइरिन, स्पेक्ट्रीन, क्यूपिडॉक्सिन, साइटोक्रोम सी, एंडोक्सिन रिडक्टेज, ये एक ही नाम है, बैंड 4.1 एंड पॉइंट 4.2, ठीक है। ये नाम है प्रोटीन्स के, इस तरह के प्रोटीन्स, ये देखिए आरबीसी पे मिलते हैं, ये आरबीसी पे मिलते हैं, ये आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, ठीक है, बाहर की साइड, ठीक है, चाहे से वो आउटसाइड हो चाहे इनसाइड हो, ये यहाँ पे पेरीफेरी पे मिलेंगे। फिर आते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल इन्हें इंट्रिंसिक बोलते हैं, एक और नाम है इनका ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। ये कैसे होते हैं? जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी, ठीक है, ये आउटसाइड एरिया है और ये इनसाइड एरिया है, ठीक है। इसने क्या बोला है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब कि पेरीफेरल तो क्या बाउंड्री पे मिलेंगे, पेरीफेरल पे मिलेंगे, बट इंटीग्रल कैसे मिलेंगे? ये मिलेंगे इस तरह से, इस तरह से एम्बेडेड रहेंगे, एम्बेडेड रहेंगे, ठीक है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ठीक है। इसके एग्जांपल जीपीसीआर, ठीक है, और एग्जांपल देखो, देखो जीपीसीआर तो आ ही गया, ग्लाइकोफोरिन ए, रोडोप्सिन, बैंड थ्री, देखो कंफ्यूज मत होना, बैंड थ्री यहाँ पर है इंटीग्रल में, बैंड 4.1 और 4.2 का है पेरीफेरल में, कनेक्सिन, ऑक्लोडिन और पोरिन, ये कुछ एग्जांपल है इंटीग्रिन के, ठीक है। फिर आते हैं लिपिड लिंक, लिपिड लिंक मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये अपनी लिपिड की बनी होती है, अपन को पता है, इससे भी लिंक, इससे भी जो लिंक होते हैं प्रोटीन उनके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं, भाई ये जो लिपिड है इनसे कौन से बॉन्ड के थ्रू कौन सा शुगर मोइटी या कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन अटैच होता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये बाहर था, ठीक है, ये इनसाइड, और ये कनेक्टेड है बॉन्ड के थ्रू, कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, ये कनेक्टेड रहते हैं बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, ये लिंक्ड वाले हैं और ये इंटीग्रल है और ये पेरीफेरल है, ये पेरीफेरल है, ठीक है। लिपिड लिंक एग्जांपल कौन कौन से हैं? अमाइड लिंक्ड मेरिस्टोल एंकर, पहला ये, दूसरा ये वाला, इसे जीपीआई भी बोलते हैं शॉर्ट नेम, थर्ड ये और ये फोर्थ, ठीक है। तो ये थे कुछ प्रोटीन्स टाइप जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। थैंक यू।